ये देखो, ऐसा क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व किए थे, ठीक है। अगर ये आर इक्वल टू 4 sin ωt, ये कॉस ओमेगा टी है, तो इसमें से हमें फिर वही है, ऑप्शन बताना है, ठीक है। अब यहाँ से, ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल आर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, तो पोजीशन वेक्टर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी दिया हुआ, आर इज इक्वल टू 4 sin 2π t आई कैप प्लस 4 cos 2π t जे कैप, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली देखो, अब यहां से हम पाथ निकाल लेते हैं, पाथ, क्योंकि हमें पाथ यहां से ऑप्शन में दिया हुआ है कि पाथ ऑफ द पार्टिकल सर्कुलर होगा। क्या पाथ सर्कुलर होगा? तो पाथ कैसे निकालते हैं किसी पार्टिकल का, ठीक है। तो पाथ कभी भी निकालना हो तो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट को रिलेट करते हैं। तो यहाँ पर जो है, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ जाएगी 4 sin 2π t, ठीक है। अरे भैया, आर को ऐसे ही तो लिख सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, यही तो है पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो ये एक्स इतना हो गया और वाई आ गया 4 cos 2π t। अब इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो, स्क्वायर करके जोड़ोगे तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, और इधर बचेगा कॉस स्क्वायर पाई 2π t, ठीक है, और प्लस साइन स्क्वायर 2π t। अब कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई 2 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये आ गया जो फाइनल इक्वेशन आ गया इसके, पाथ का इक्वेशन इज इक्वल टू 4r का स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है वो एक सर्कल का है, वो इक्वेशन सर्कल का है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और जिसकी रेडियस 4 मीटर है ना, जिसकी रेडियस 4 मीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वेश्चन है वो एक सर्कुलर मोशन का है, एक पार्टिकल है जो सर्कल में चल रहा है, ठीक है, और उस सर्कुलर मोशन का जो रेडियस है वो 4 मीटर है। तो पहला जो हमें रॉन्ग निकालना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, इसमें से गलत कौन सा है। तो जो पाथ ऑफ द पार्टिकल इज सर्कुलर ऑफ रेडियस आर, तो ये वाला तो सही है, ठीक है, लेकिन हमें गलत चूज करना है। एक्सलेशन वेक्टर इज अलोंग द माइनस आर, ऑब्वियसली अगर पार्टिकल हमने प्रूव कर दिया कि सर्कल में चल रहा है, ठीक है, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द सर्कल, हमने प्रूव कर दिया कि जिसका ओरिजिन पे सेंटर है और जिसका रेडियस आर है, तो एक्सलेशन हमेशा, ठीक है, और यूनिफॉर्म स्पीड है ना, यूनिफॉर्म मोशन है, तो पोजिशन पार्टिकल टाइम डिपेंड वाई स्टेटमेंट, ठीक है। तो एक्सलेशन वेक्टर इज अलोंग माइनस आर, ठीक है। तो एक्सलेशन, अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, यूसीएम चेंज हो रहा है, उसकी जो वेलोसिटी है वो मैग्नीट्यूड में नहीं बदल रही है, तो वो उसका जो जो एक्सलेशन है ए सी, वो सेंटर की तरफ है, मतलब ये जो एक्सलेशन है वो अलॉन्ग द आर है, वो भी सही है। अगर ए इस एक्सलेशन की जो वैल्यू है वो वी स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर है, ये भी सही है। तो इस हिसाब से जो फर्स्ट ऑप्शन है वही गलत है, और अगर वो गलत है तो वही सही है, क्योंकि रॉन्ग निकालना है, ठीक है। ये जो एक्सलेशन होता है वी स्क्वायर ओवर, ये सेंट्रीपेटल एक्सलेशन है, जो सर्कुलर मोशन नहीं पढ़े उनको नहीं बुझाएगा, ठीक है। तो ये वी स्क्वायर ओवर आर, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी 8 मीटर, अगर निकालना चाहते हो तो निकाल लो, निकाल दूँ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वैसे तो क्वेश्चन हो गया है, पर अगर वेलोसिटी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो वेलोसिटी निकाल लो यहाँ से, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, 4 कॉमन हो गया, और साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में, आ जाएगा 2π साइन का आ जाएगा cos 2π t आई कैप, और माइनस कॉस का 2π साइन 2π t जे कैप, ठीक है। कुल मिला के जो वेलोसिटी वेक्टर बना वो बनेगा 8π कॉमन आ जाएगा, और cos 2π t आई कैप माइनस साइन 2π t जे कैप, ठीक है। तो ये क्या है यार, ये वेलोसिटी वेक्टर है। अगर वेलोसिटी वेक्टर है तो ये जो ब्रैकेट में देख रहे हो ये क्या है, यूनिट वेक्टर है यार, दिस इज यूनिट वेक्टर, ठीक है भाई। इसका मैग्नीट्यूड लोगे, वी मॉड लोगे,
बी मॉड लोगे तो 8 पाई का स्क्वायर, ठीक है, 8 पाई का स्क्वायर अंडर रूट, और ये जब अंडर रूट जाएगा कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अरे भाई आता ना कॉस स्क्वायर कॉस 2 पाई टी का स्क्वायर प्लस साइन 2 पाई टी का स्क्वायर, ठीक है, ये जब ये करोगे, ठीक है, ये करोगे तो ये 1 हो गया यार, ये यूनिट वेक्टर है, इसकी वैल्यू 1 है, तो मैग्नीट्यूड 1 है, यूनिट वेक्टर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, मैग्नीट्यूड लोगे तो ये आ जाएगा 8 पाई, इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। अब क्या 8 पाई वेलोसिटी मैग्नीट्यूड दिया हुआ है? नहीं, इसने 8 दिया हुआ, पाई उड़ा दिया है, ठीक है, यहाँ से पाई उड़ा दिया है, ठीक है, तो इसलिए जो है वो गलत है।